हर महादेव दर्शकों जय महाकाल। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक उपाय करना है। इसमें आपको एक लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेनी है, लाल चंदन लेना है और गुड़ लेना है। अगर गुड़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन का यूज कीजिए, अगर लाल चंदन नहीं है तो आप गुड़ इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 7 बेलपत्री ली हैं तो उनकी जो बीच वाली पत्ती होती है बड़ी वाली, उन 7 बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन से, अगर लाल चंदन ना है तो गुड़ लिया है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आप गाढ़ा लेप कर लीजिए, वरना लाल चंदन में भी थोड़ा सा जल मिलाकर उसे गाढ़ा लेप तैयार कीजिए। फिर 7 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उस पर आपको एक एक बिंदी यानी टीका लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आपने 7 बेलपत्री पर टीका लगा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? और लगाना चिकनी वाली साइड है, जो बेलपत्री की सीधी साइड नॉर्मल होती है चिकनी वाली, उस पर आपको लगाना है। उसके बाद 7 बेलपत्री को एक एक करके, मतलब एक के ऊपर एक रख लीजिए, और आपको 7 बेलपत्री की डंडी को आपको बांध देना है, सफ़ेद रंग का जो कच्चा सूत होता है उससे आपको बांध देनी। लेकिन बांधने से पहले एक बात ध्यान रखिए, जब वो आप लपेटें धागा तो आपको क्या करना है, आपको आप अपने लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आपको अपना नाम गोत्र बोलना है, या आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलना है वो धागा लपेटते समय डंडी में। आपको 7 बार वो धागा लपेटना है। अब आपने जब 7 बार धागा लपेट लिया, आपने बिंदी लगा ली, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर, फिर आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको धीरे धीरे भगवान शिव पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। उसके बाद जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं, जिसमें आपने बिंदी लगाई है 7 बेलपत्री में, इस तरीके से भगवान शिवलिंग पर आपको चिपकानी है कि वो जो बिंदी वाला हिस्सा है जहाँ आपने बिंदी लगाई वो हिस्सा स्पर्श करे शिवलिंग को। इस तरीके से आपको शिवलिंग पर वो 7 बेलपत्र जो आपने इकट्ठी कर ली है धागे से, वो आपको रख देनी है, समर्पित कर देनी है भगवान शिव को, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष को कर सकते हैं, शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि आती है किसी भी दिन कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें, अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, प्रदोष काल में अगर करेंगे तो और भी अच्छा है, अगर आप सुबह करें तो सुबह भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, अगर देखिएगा आपको बहुत जल्दी इससे लाभ मिलेगा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।